आज मैं बैठक के रामलीला मैदान में उपस्थित हूँ और यहाँ हमें लगता है 10,000 की संख्या महिला सीए के समर्थन में आए हैं। इस समर्थन में कितने लोग आए हैं, क्या कैसे इनके मौन समर्थन रहा है, तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद चौबे जी हैं। तो क्या जो ये समर्थन कर रहा है क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग देश के साथ हैं और हमारे भारत देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सीए कानून ला करके एक भारत देश को मजबूत बनाने का काम किया है, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई वहाँ के लोगों से, वहाँ के इस्लामिक देशों में जो प्रताड़ित हो रहे थे, उनको अगर भारत में नागरिकता देने की बात कही है तो हमारा पूरा भारत देश, पूरा हिंदू समाज, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म के लोग, हम सभी लोग सीए कानून का समर्थन करते हैं। उसी के संदर्भ में आपने देखा कि आज सिंगरौली जिले में हम लोग एक विशाल, कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे और सीए कानून का समर्थन कर रहे हैं। इससे हम सभी लोग उत्साहित हैं और ये सिर्फ सिंगरौली भर में नहीं है, देश के हर एक जिलों में, हर एक कोने में आज सीए के समर्थन में लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मोदी जी का साथ मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा इसके पहले आपने जो एक अभी नारा दिए थे, आज अभी हमारा ही पहले पूरे कार्यक्रम को नारा दिए थे कि दे दो आज़ादी की, क्या था इसका उद्देश्य? ये था कि जो आज़ाद भारत में रह करके भी जो आज़ाद भारत में आतंकवादी रह रहे हैं, जो देशद्रोही रहे हैं, जो जेएनयू जैसे कॉलेज में जो हमारी सरकार की सुविधाओं में पढ़ रहे हैं और वहाँ से निकल करके देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसे लोग अगर आज़ाद भारत देश में आज़ादी मांग रहे हैं तो हम तो युवा, हम भी भारत देश के युवा हैं और हम लोगों ने जेएनयू में तो नहीं पढ़ा लेकिन हम लोग भी पढ़े हैं और उनको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। अगर आज़ादी मांग रहे हैं तो आज़ादी देंगे। आज आप लोग ये तिरंगा यात्रा कौन यात्रा थी, इसका क्या हम लोग मौन संदेश, हम लोग एक सार्थकता की ओर, देश में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए हम किसी भी प्रकार के नारेबाजी नहीं, सिर्फ भारत माँ के जय घोष के साथ हम लोग ये कार्यक्रम स्टार्ट किए थे और सभी लोग इसी के साथ हम लोग एक मौन यात्रा निकालने का काम, जो लोग थे ऐसे लोग थे जो आज़ादी मांगते थे, तमाम कार्यक्रम है और दे दो आज़ादी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? जो आज़ादी मांग रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आज़ादी चाहिए तो हमने तो आज़ादी लगातार दी है, हमने अफजल को भी आज़ादी दी, हमने कसाब को भी आज़ादी दी और जो आज़ाद भारत देश में आज़ादी की बात कर रहे हैं उनको जहाँ चाहिए वहाँ आज़ादी देने के लिए हम भारत देश के युवा तैयार हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि कन्हैया कुमार कोई नेता नहीं है, वो इस देश का आतंकी है। जो जेएनयू कॉलेज में पढ़ करके तुम भारत के रह के एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हो और दूसरे तरफ भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारा लगा रहे हैं और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जेएनयू हिंदुत्व की कबर कूदेगी जेएनयू की छाती पर। मैं तो उसे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आतंकवाद की कबर कूदेगी सावरकर की ये धरती पर और जेएनयू जैसे देशद्रोही को मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ, जिस दिन वो डिबेट में आमने सामने होगा ऐसे आतंकवादी को मैं मीडिया चैनलों के माध्यम से भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जो पत्रकार बंधु उसके हौसले को बढ़ा रहे हैं, जो डिबेट ले रहे हैं, ऐसे देशद्रोही का बहिष्कार करना चाहिए। और कन्हैया कुमार के ऊपर तत्काल हमारे भारत देश के गृह मंत्री ने कल जबलपुर के रैली में कहा है कि जो आतंकवाद के नारे लगाएंगे, जो भारत विरोधी नारे लगाएंगे भारत में रह करके, उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है, अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कन्हैया कुमार इस देश का आतंकी है, कहता है कि मेरी माता जी 3,000 रुपये कमाती है, तुम 3,000 रुपये कमाते हो और सांसदी का चुनाव लड़ करके तुम लाखों अरबों रुपए खर्च किए, चुनाव हार गए, लाखों रुपए के कपड़े गहने पहन रहे हो, कहते हो कि मैं 3,000 रुपए पूरी तरह ऐसे लोगों के कार्रवाई की प्रक्रिया कब से शुरू है? हमारी सरकार कटिबद्ध है, आप देखते जाइए जो देश द्रोही, ये जो सीए कानून के बाद देश में कितने आतंकी पल रहे थे वो सामने आ गए हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के गृह मंत्री इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा भी है कि जो भारत में रह करके देश विरोधी नारे लगाएंगे, आतंकवादियों का साथ देंगे, उनको तत्काल जेल के सलाखों के